हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे एएनजी फार्म हाउस और उनके हॉर्सेज को। और ये स्टेबल है उनके सामने, ये रिसोर्ट है, बहुत ही अच्छा स्टेबल। और हॉर्स के लिए रिंग भी यहाँ पे है, बाकी वाले घोड़े भी दिखाएंगे और बाकी स्टेबल भी कवर करके बताएंगे कैसे स्टेबल होने चाहिए। और बहुत ही अच्छे स्टेबल बना कर रखे वैसे, और यहाँ पे स्टाफ भी एकदम हैप्पी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्टेबल। और यहाँ पे है इनका ग्राउंड कोड़ा फ्री करने के लिए, बहुत ही अच्छा पेडॉक बनाया है। और वैसे भी ये जगह भी बहुत खुली जगह पड़ी घोड़ों के लिए, बहुत वॉक के लिए या राइडिंग के लिए भी, और एकदम एंटीक जगह वैसे देखने जाए तो, क्यों एकदम समतल जगह, एकदम सरीखी जगह है। और बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेशन भी बहुत अच्छा है, पहाड़ का कॉर्नर लेके। अभी आपको दिखाएंगे इनके स्टेबल, बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके स्टेबल, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेबल बनाए हैं वैसे। स्टेबल का गेट है और लाइट बोर्ड बाहर रखा है, और इनका इतना बड़ा गेट रखा है बाहर की साइड में। और ये फिली है, प्यारी फिली है, और ये मादी है, और अंदर में रबड़ मैट भी है और घास भी रखते नाइट को कोड़े को बैठने के लिए। ये देखिए, इसके अंदर मेन सिस्टम के अंदर ये है कि ये बच्चा, ये मादी के लिए थोड़ा हाइट वाला है, दाने का अलग और पानी का अलग। और उधर की साइड में बच्चे के लिए, बच्चा और मादी के लिए, ये बच्चा मादी के लिए स्टेबल है समझो, और उसकी हाइट भी काफ़ी नीचे, बच्चा आसानी से दाना खा सके, दाना पानी के अंदर कोई इशू नहीं हो। और वैसे बच्ची भी बहुत अच्छी, अच्छे से ग्रोथ किया। ये सिद्धार्था की बच्ची है, सिद्धार्था है दिलशान का बच्चा, बहुत अच्छी बच्ची प्यारी। और यहाँ पे भी घोड़ा फ्री करने के लिए पेड़ों को रखा है। इसके अंदर बालू मिट्टी है, धूल बोल सकते हैं, मिट्टी बोल सकते, बहुत अच्छी वैसे, बहुत ही छोटा पेड़ हो गया लेकिन बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि मिट्टी लेटने लेटने के लिए बहुत अच्छी रखी है यहाँ पे। और घोड़ों को फ्री करने के लिए यहाँ पे ये अलग पेड़ बनाया, और इनका गैप है भी वो भी बहुत कम है, छोटा बच्चा भी अंदर छोड़े तो बाहर नहीं आ पाए, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। और लोकेशन भी बहुत अच्छा, बैक लोकेशन। और ये गैलरी का व्यूज है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया वैसे। और यहाँ पे नेम प्लेट भी लगी हुई वैसे, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ सब भी, और सेज के आगे नेम प्लेट लगी हुई है। और ख़ास बात यह है कि नाल का ही इसमें ये हुक बनाए हुए हैं सामान रखने के लिए, बहुत ही यूनिक चीज़ है, काफ़ी वेट पकड़ सकता है। और यहाँ पे हुक है, यहाँ बाहर भी घोड़े बांध सकते हैं वैसे, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया डिज़ाइन को भी। और ये पूरा फ्रंट साइड का व्यू है। और यहाँ पे सिटिंग रूम है, वैसे फ्री टाइम है यहाँ पे बैठ सकते हैं, बड़ा ये भी। और अभी ऊपर चल के दिखाएंगे ऊपर से कैसा व्यू दिखता है स्टेबल, और बैकग्राउंड भी
ये ऊपर भी बैठने के लिए सेम पोजीशन, नीचे है उतना उतना ऊपर भी बैठने के लिए बनाया हुआ है। और ये स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग स्टेबल है, बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रखा है फार्म को। और ये हाईवे टच है वैसे, बहुत ही अच्छा लोकेशन। और बैकग्राउंड का भी, बैक व्यू से देखिए आप पहाड़ का किनारा लेके, पीछे नदी है, ये दिखती रहेगी आपको। और ये ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक, यहाँ से वॉकिंग के लिए भी डाल सकते हैं और घोड़ों को भगाने के लिए भी ये काम ले सकते हैं, क्योंकि कच्चा है और रेसिंग ट्रैक के जैसा ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि अंदर मिट्टी डाली हुई है, घोड़े को आप कैंटर ले जा सकते हो इस टेबल के पीछे से पूरा राउंड। और ये अरेना है, ये पैडॉक बनाया है घोड़ा फ्री करने के लिए। और यहाँ पे ऊपर से बहुत ही अच्छा नज़ारा, यहाँ पे झाड़ लगे कॉर्नर पे, बहुत ही अच्छे लोकेशन के साथ। और ये पैडॉक, छोटा वाला पैडॉक भी इसी के साथ में, खाली जगह थी उसके हिसाब से बनाए, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ से घोड़े पे बैठना हो तो भी वहाँ से बैठ सकते हैं।